तो यार पूरी वीडियो ना ध्यान से देखना और एक बार बस लिख के रिवाइज कर लेना, तुम्हें 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यार ये ऑफिशियल सिलेबस है तुम्हारे क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का, और इस यूनिट के अंदर कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट तुम्हारी ये सारे टॉपिक्स हैं, तो हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। यूनिट 1.1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज अ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा एंड डिस्प्लेस रिजल्ट। सो बेसिकली कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। सो लेट्स हैव अ लुक टू ईच ऑफ देम। फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म व्हिच इज एक्सेप्टेबल बाय कंप्यूटर सिस्टम। सो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम ह्यूमन डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। सेकेंड वी हैव इज आउटपुट डिवाइसेस। Output devices convert digital information into human understandable form. So output devices जो भी digital data होता है उसे human understandable form में convert करता है, for example monitor, speaker and printer. Our next topic, that is CPU, also referred as central processing unit. It is the electronic circuit of computer that carries out the actual processing. It is usually referred as the brain of computer. So central processing unit, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सारी processing computer की CPU के अंदर होती है। जैसे human signals को computer understandable form में convert करना और computer signals को human understandable form में convert करना। CPU consists of three parts. So CPU basically इन तीनों unit से बना होता है। First is control unit. It acts as central nervous system. It controls all the input and output devices. Also, it passes the data to ALU for computation. So, iska basically role hota hai, jitne bhi input or output device attach hai CPU se, un sabko control karke rakhta hai. Aur ye data pass karta hai ALU ko, jo further aage kaam karegi. Let's see what is ALU. Arithmetic Logical Unit. It executes all the arithmetic and logical operations. So computer के अंदर जितने भी arithmetic और logical operations होती हैं वो ALU handle करता है. Third is, so let's start with computer memory. Memory बोले तो याददाश्त। हम starting से पढ़ते आ रहे हैं कि CPU में processing होती है। इसी processing में major contribution हमारी computer memory का होता है। Our computer system needs memory to store data and instruction for processing. तो हमारी memory करती क्या है? वो data और instruction को save करके रखती है ताकि processing के वक्त उसे use आ सके। यार memory के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे ही, पहले ये बताओ कि KB, MB, GB ये सारे word कहीं सुने हैं? Of course सुना होगा। जैसे 4GB की pen drive, फोन में 8GB की RAM या वाईफाई की स्पीड 2 KB/s एटसेट्रा। इसमें हम बार बार KB, MB, GB ये सब वर्ड यूज कर रहे हैं। ये सारे वर्ड आपके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आते हैं, दैट आर मेमोरी यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यार एकदम मस्त चीज बताऊं, हमारा पीसी बस 0 और 1 समझ सकता है, बस 0 और 1। कमाल की बात यह है कि दुनिया का हर एक वर्ड, हर एक अल्फाबेट और यहां तक कि हर एक सिंबल को हम 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना फैसिनेटिंग है ना? तो यार टॉपिक पे आते हैं। इसी 0 और 1 को हम बिट बोलते हैं। दोबारा, इस 0 और 1 को हम बिट बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम 4 बिट मिला दे तो उसे हम एक निबल बोलते हैं, NIBBLE, निबल। तो यार ये एग्जांपल है निबल्स के। और ऐसे ही अगर हम 8 बिट को मर्ज कर दें तो हमारे पास एक बाइट बनता है, BYTE। कुछ कुछ तो गुस्सा होगा दिमाग में, बिट, निबल और बाइट में डिफरेंस, ठीक है? तो यार ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है एकदम रट लेना। तो यार
मेमोरी यूनिट में हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है केबी, दैट इज किलोबाइट। उसके बाद हमारी होती है एमबी, मेगाबाइट, और जीबी, गीगाबाइट, टीबी, टेराबाइट। ये बाकी सारे एडवांस है जो आपके सिलेबस में नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट, जहां 90% क्राउड गलती करेगा, और यहां तक कि मैंने भी करी थी, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वैसे ही हम सोचते हैं कि केबी का कन्वर्जन भी कुछ ऐसा ही होगा, पर कंप्यूटर सिस्टम में 1 केबी में 1024 का कन्वर्जन रहता है। जैसे 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, मैं इसके इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार आता है। सिमिलरली हमारे पास 1 MB में 1024 KB रहेगा, ऐसे ही 1 GB में 1024 MB होगा। सिमिलरली 1 TB, 1 TB में 1024 GB होगा। यार दिमाग में डाल लेना, बार बार यही से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। सो आफ्टर कवरिंग यूनिट्स ऑफ मेमोरी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मेमोरी। ह्यूमन बीइंग्स मेमोराइज मेनी थिंग्स ओवर अ लाइफ टाइम एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक डिसीजन और सम एक्शन। However, we do not rely on memory completely. We make notes and store important data and information using other media such as notebook, manual, etc. तो यार human beings के पास भी memory होती है, पर क्या एक particular human अपनी memory पे सारी important data याद रख सकता है? यार ऐसा possible तो नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन को अदर मीडिया के यूज से हम नोट करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में डिसीजन बनाते वक्त इजी रहे। सिमिलर इज द केस विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। सो लेट्स सी व्हाट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज। Primary memory is essential component of computer system. Programs and data are loaded into primary memory before processing. The CPU interacts directly with the primary memory to perform read or write function. तो यार primary memory, इसके अंदर basically हमारे पास RAM और ROM होती है। ये एक computer का सबसे essential component होता है। Programs, software, application, जो भी रन होने वाली होती है सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड होती है। और जो हमारा सीपीयू होता है प्राइमरी मेमोरी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। सो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी दो टाइप में क्लासिफाइड है, फर्स्ट इज रैम एंड सेकेंड इज रोम। तो एग्जाम में बहुत बार इनके डिफरेंस पूछते हैं, तो लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेयर एज रोम stands for read only memory, very very important. तो यार RAM is temporary storage, whereas ROM permanent storage. जो हमारी storage होती है RAM के अंदर temporary होती है, और ROM के अंदर हमारी जो भी हम data store करते हैं वो permanent store होता है। RAM store data in MBs, whereas ROM store data in GBs. RAM is volatile and ROM is non-volatile. Volatile बोले तो अगर पावर कट आता है उस टाइम अगर रैम में कुछ लोड है तो सारा इरेज हो जाता है, पर रोम के केस में उसे पावर सप्लाई से कोई लेना देना नहीं, उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। रैम इज यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस, वेयर एज रोम इज यूज्ड इन स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। राइटिंग डेटा इज फास्टर इन रैम, वेयर एज राइटिंग डेटा इज स्लोअर इन रोम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड क्रैम ऑल दिस पॉइंट्स। तो यार प्राइमरी मेमोरी तो हो गई जो बिल्ट इन मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज ईदर वोलेटाइल और रीड ओनली। हमने ये पढ़ लिया कि प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और ज्यादातर ये वोलेटाइल होते हैं। दस अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स अ सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंटली स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज। द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, has larger storage capacity, it is slower but cheaper than main memory. Secondary memory के example है HDD, hard disk,
हमारी सीडी हो गई, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के। अब हमारे पास एक एडिशनल टॉपिक है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज कैश मेमोरी। सो लेट्स स्टार्ट विद कैश मेमोरी। यू मस्ट हैव वर्ड द कैश इन योर मोबाइल। जब हमारे पास आती है कि स्टोरेज फुल हो गई है, सो क्लियर कैश, क्लियर कैश। सो लेट्स सी व्हाट अ कैश इज। वी हैव रेड दैट रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज, बट इट इज नॉट फास्ट एज कंप्यूटर प्रोसेसर। तो हमारे पास कुछ, हमें कुछ ऐसा मेमोरी चाहिए जो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को मैच कर पाए। टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ सीपीयू, अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैश। तो यार सीपीयू और प्राइमरी